उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में 15 से 25 अप्रैल तक कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 29 अक्टूबर को जय भारत सत्याग्रह अभियान पर राजधानी में बड़ा आंदोलन करेगी और गांव से लेकर प्रदेश के राजधानी तक अभियान चलेगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों खत्म की, उसके लिए हमने 15 से 25 तक हर जिला मुख्यालय पर 15-25 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके बड़ी रैली करके जाकर के उन्हें ये बताना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो किन कारणों से समाप्त हुई जी, वो हम गांव गली और मोहल्ले तक चर्चा कराना चाहिए। एक तो वो, दूसरा ये था कि 29 तारीख को हमने तय किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करके इस जय भारत सत्याग्रह का एक रैली का बृहद रूप दे करके लोगों तक ये बात पहुंचाएं, प्रदेश भर के लोगों के पास तक आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, भाषण के माध्यम से, कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जो उन्होंने सदस्यता रद्द कर ली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ गए हैं। तो विभांशु, जो ये सत्याग्रह की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन राहुल गांधी कानूनी लड़ाई कब लड़ेंगे? जी ऐसा आपको बता दें कि राहुल गांधी पर उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उनका आवास उनसे वापस लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उग्र आंदोलन कर रहे हैं और इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि राहुल गांधी अब इस मामले पर अपना एक याचिका डालने संभावना जताई जा रही है कि सूरत जाएंगे और आगे की कोर्ट में वो अपील करेंगे। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 15 से 25 अप्रैल तक कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें प्रदेश भर के साथ साथ देश भर में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए एक नया पैटर्न अपनाई है। साथ ही अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ से लेकर गाँव तक ये इनका ये कार्यक्रम चलेगा, अभियान चलेगा, जिसमें बात करें तो कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी तय की गई है कि उन्हें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा दिलाना है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के पुराने नेता है, जो पुराना कैडर है, उनको वापस जोड़ना है। वहीं आपको बताएं कि बात की जाए तो इस मामले में अगर देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अलग अलग तरीकों से मांग कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है उन्हें और इस आंदोलन से क्या कुछ देश पर असर पड़ेगा? जी निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो इस आंदोलन से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी एक खोई हुई जमीन वापस पाने की अपेक्षा से ये कर रही है और आने वाले समय में साफ होगा कि कितना लाभ मिला है। मगर बात की जाए तो 15 से 25 अप्रैल तक जो जय भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका शुभारंभ ब्रजलाल खाबी, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजधानी लखनऊ से करेंगे। ये सत्याग्रह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए जिम्मेदारियों की तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को इसको लेकर निर्देश भी जारी हो चुका है कि कार्यक्रम को सफल बनाए और साथ ही साथ जो पुराने कांग्रेसी कैडर के नेता हैं उनको वापस से कांग्रेस पार्टी में वापस लाकर जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, उसको वापस पाने के लिए सब किया जा रहा है। और बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता को अगर देखें तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर एक बार कोर्ट का दरवाजा जल्द ही खटखटा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद विमांशु जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने हेरोइन तस्कर की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने हेरोइन तस्कर सरफराज अंसारी का 2.5 करोड़ की कीमत का प्लाट सीज कर दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत कुर्की की कार्रवाई की है और मुनादी कराते हुए हेरोइन तस्कर का प्लाट सीज कर लिया है। आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र समीम अंसारी, ये रुद्रपुरा के रहने वाले
इसके द्वारा हेरोइन तस्करी आदि का कार्य किया जाता था, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उसी में प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई आज की गई है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में। कितने की होगी? ये मार्केट रेट करीब 2.5 करोड़ के आसपास इसका है, ये प्लॉट और बाउंड्री कुर्क की गई है इसमें। औरैया में 1 अप्रैल से नगरपालिका प्रशासन की ओर से वाहन स्टैंडों का ठेका उठाया गया है। शुल्क लिए जाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो चालकों को रसीद दी गई। इससे खफा होकर वाहन चालकों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम लगा दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया और जाम लगने से करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बता दें कि डीएम प्रकाश चंद श्रीवास्तव के निर्देश पर वाहनों का ठेका उठाया गया है, जिसमें 25 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रशासन के इस निर्णय से खफा वाहन चालकों ने काली चौराहा, जेसिच चौराहा और 50 सैया अस्पताल के सामने जाम लगा दिया। तो वहीं जाम लगने से यातायात प्रभावित हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक वाहन चालकों को समझाते रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कौन ले रहा आपसे? क्या बात को लेकर ले रहे हैं? क्या बात कह रहे हैं? किस बात को लेकर पैसा ले रहे हैं? मतलब के पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ। पैसे कौन देगा भाई? इतनी एक लंबी कमाई थोड़ी है। रिक्शे वाले भी पैसे लिए कैसे कम बनेगा? गरीब लोग हैं हम लोग, रिक्शे वाले थोड़ी हैं। रिक्शे वाले होते हैं रिक्शा ही कौन चलाते? क्या क्या मांगे हैं आपकी यहाँ जो स्टॉक नहीं की जाए? बस और उनमें कोई और नहीं लेना देना है। गलत बात है, हमारे लोगों के पैसे लिए जा रहे हैं। किस बात को लिए जा रहे हैं? कौन ले रहा है आपसे? मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में ट्रक को लूटने वाले शातिर अपराधी यही बदमाश था, जिसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। हुई दिखाई दी एक्टिवा गाड़ी सफेद रंग की, जिसमें 2 लोग सवार थे। तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो ये चकमा दे करके ये जंगल की तरफ भागने लगे, जिसमें इन लोगों ने पीछा किया तो वो लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उसमें जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक के पैर में गोली लगी और दूसरा फरार हो गया है। जब उसको अरेस्ट किया गया जिसको गोली लगी है, तो उसमें उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम श्यामवीर बताया, जो यहीं इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जनवरी में एक लूट हुई थी, 64 लाख की लूट हुई थी, जिसमें ट्रक और देवरिया के लार थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों दबंगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। हम जाने की मामला सलट गया, उसके बाद जो है 20-25 लड़कों को लेकर के आए, गेहूँ में छुपे हुए थे या 2-4 बंदे इधर उधर घूम के गाली दे रहे थे। तो मेरा भाई सोया हुआ था तो उसने आया, देखा आराम आराम से आ रहा था, आप चढ़े पे था, गया तबले उसी के पे लाठी से मार दिया सर पर, वो गिर गया। क्या नाम था आपके भाई का? अमित राजा। और बाकी आगे की घटना क्या हुई? आगे की घटना आगे यही तो बता रहा हूँ ना, आगे घटना यही है ना। थाने साहब को क्या रिलीफ मिला अभी तक? हैं, थाने साहब लोगों को क्या रिलीफ मिला अभी तक? अभी रिलीफ तो कुछ नहीं मिला। एप्लीकेशन दिया थाने पे? हाँ दिया सर, डेट भी हो गया। कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल? उसमें है मेन है गौरव सिंह, सुधीर पाठक और विक्की राजभर और राजकुमार राजभर। आप लोग अभी क्या? भारतीय समाज पार्टी, जैसा कि सर ये बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है, और जो है कि ये जो है कि मृतक के भाई हैं, और मैं यही कहूँगी कि इस तरह का जो है कि मामला इस तरह से निडरता पूर्वक जो है कि इस जो है कि घटना को अंजाम देना किसी के लिए मतलब शोभनीय नहीं है।
मैं इस मामले में इसलिए, मुझे रात को जब पता चला, मैं खुद मृतक के घर इनके घर में जब पहुंची, वहां पे उन लोगों ने मुझे बताया कि दीदी मतलब इस हिसाब से वो लोग मारे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि रावत जुड़ गए हैं। तो रवि, इस पूरे मामले में केस तो दर्ज हो गया है 5 लोगों पर क्या पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है? प्रदेश में अपराधियों पर काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ दबंगों का हौसला बुलंद होते नजर आ रहा है। वहीं दबंग छेड़खानी का विरोध करने पर लाठी डंडों से युवक की पीट कर हत्या कर दी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रवि। हरदोई के सांडी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त पार्टी करने जा रहे थे और एक ही गांव के निवासी थे। भीषण हादसे में तीनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सांडी अंतर्गत एक गाँव आता है ज्ञानपुरवा, वहाँ पर पिंकू और अन्य दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अवरोध प्रकरण में थाना सदर से मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड पुलिस चौकी के नजदीक बरेली से आगरा जा रहे आर्मी सेना के ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया, वहीं उसकी मां की मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया और युवक का इलाज चल रहा है। वहीं घटना का पता चलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक महिला है अंगूरी देवी, जिनको मृत अवस्था में लाया गया है। देवी यहाँ अस्पताल पहुँचने से पहले ही मृत हो चुकी हैं, और एक उनके साथ में एक पुरुष है संजीव, उनके चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और अंगूरी देवी मृत हो चुकी हैं। ये कासगंज के सोरो थाने की रहने वाली है। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना को लेकर ट्रक चालक ने जानकारी देते हुए कहा कि मोम लादकर ट्रक पानीपत से बंगाल जा रही थी और अचानक ओवरब्रिज पर एक युवक को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गई। भाई 3 बजे करीब पलटा हुआ है। कैसे पलटा? सामने बाइक वाला जो देख रहे हो ना, नाली सी बनी हुई है, इसी में से निकल रहा था बाइक वाला। हाँ, बचाने चक्कर में। अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? पानीपत से आ रहे। कहाँ के लिए जा रहे थे? ये बंगाल। बंगाल जा रहे थे। कोलकाता। अच्छा अच्छा, क्या लादा था ट्रक में? मोम लादा था। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? भाई इसका तो नहीं पता। मौके पर किसी को सूचना दिए थे आप? सूचना क्या रही, मैं तो पड़ा हुआ था। किसी को चोट भी आई? ना, मेरे ही आई, जो आई ये थोड़ा। अच्छा, कितने लोग ट्रक पे थे? अकेला ही था मैं। गाजियाबाद में मुरादानगर के गांव उखलारसी में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नवीन भारद्वाज बिजली विभाग में ठेकेदारी का कार्य करते थे, जहां 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश उनके घर पहुंचे और नवीन भारद्वाज पर गोलियां बरसाकर फरार हो गए, जिसके बाद घायल अवस्था में नवीन को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे DCP देहात रवि कुमार ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर क्षेत्र के उखलारसी गांव की घटना है। लगभग रात्रि 8 बजे के बाद
की घटना हुई है, जिसमें नवीन भारद्वाज जो कि जिनकी उम्र 50 साल है, लहरसी गांव के रहने वाले हैं और ये बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं, कुछ अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर आए हैं और उन्होंने इन पर फायरिंग की है और जिससे उनको 2 गोली लगी है। उनको इलाज के लिए यशोदास अस्पताल उनके परिजन लेकर गए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है, जैसे ही आगे के डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा, उसमें एफआईआर पंजीकृत कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में अवैध फैक्ट्री में धमाके के मामले में फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अवैध फैक्ट्री में केमिकल पेंट तैयार कर रहा था। बता दें कि फैक्ट्री में धमाका बहुत तेज हुआ, जिसके बाद विस्फोटक क्षमता केमिकल पर ड्रम था। फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजकुमार नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी और उसकी गिरफ्तारी एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई है। उसके साथ साथ उसका एक मित्र प्रशांत है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक भाई प्रमोद है, उसको गिरफ्तार किया गया है। संचालन में उसके भाई विनोद की भी भूमिका थी, तो क्या नाम है, घटना में मारा गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था, उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया। और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटर प्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में प्रसाद बनाते समय सिलेंडर लीक होने से मकान में आग लग गई। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। और उसमें गैस सिलेंडर में आग लगने से उनकी दिनेश की बहू, दिनेश बच्ची एक और एक बहन, 4 लोगों की हालत खराब है। 4 लोग गिर गए और आग पर काबू पा लिया गया। उसकी सूचना नहीं थी यहाँ पर आगे और उन्होंने घायलों को कहाँ भेजा है? घायलों को तो अभी जिला अस्पताल भेजा है, मेडिकल कॉलेज। एकदम लो एकदम फूक गई है, एकदम लग गई है। खाना बनाते पे सब जने खाना बना रहे बैठ गए, एकदम काय से आग लगी। सिलेंडर जल रहा है बड़े चूल्हे पे, कितने लोग पूरी करैया में डाल रही है। सो ये एकदम जन कैसे लो लगी है ना मालूम पर भाई। कितने लोग घायल? 4 लोग घायल है गए। कहाँ ले गए उनको? हॉस्पिटल ले गए। एक मकान में आग लगी थी, मकान बड़ा कंजेस्टेड था, वहाँ पे सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी। उसमें जो हल्के फुल्के जो है 4 लोग झुलस गए हैं, उनको तत्काल यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आग पे काबू पा लिया गया और आगे इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आगे जो भी लोग हैं इसकी जाँच की जाएगी कैसे आग लगी। क्या प्रसाद बनना था, क्या बनना? ये लोग बता रहे थे पूड़ी वूड़ी बना रहे थे, उस समय जो है सिलेंडर लीक हुआ का प्रोग्राम था, तो पूड़ी वूड़ी बना रहे थे तो सिलेंडर जो है लीक हुआ, उससे आग लगी। सिद्धार्थ नगर में भूमाफिया दमंगई के बल पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सह जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने IGRS सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की। पीड़ित का आरोप है कि दबंग धारदार हथियार के बल पर उनकी जमीन पर जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ने इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।